देख रहे P20 न्यूज। पंजाब पुलिस ने सहारनपुर में आकर की कार्रवाई, 14 गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। पंजाब पुलिस ने सहारनपुर में आकर कार्रवाई कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी सहारनपुर में आकर छिप गए थे। पंजाब पुलिस ने यहां थाना कुतुबशेर पुलिस के साथ कई इलाकों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के SP City अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पंजाब के लुधियाना में पिछले दिनों दो गुटों में झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। इस वारदात से जुड़े आरोपी सहारनपुर में आकर छिप गए थे। आरोपी थाना कुतुबशेर क्षेत्र में छिपे हुए थे। मंगलवार की रात पंजाब पुलिस थाना कुतुबशेर पहुंची। यहां की पुलिस के साथ पंजाब पुलिस ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ दबिश देकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाने पर नाम दर्ज कराने के बाद पुलिस आरोपियों को लुधियाना लेकर चली गई। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ, आज सुबह पंजाब पुलिस द्वारा एक सहयोग मांगा जाता है सहारनपुर पुलिस से। लुधियाना में 20 फरवरी को वहाँ पे दो गैंगों के बीच में फायरिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें उनके द्वारा 147/147/48 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उनको ये सूचना मिल रही थी कि जो उसमें वांछित अभियुक्त हैं उनकी लोकेशन सहारनपुर में है। इस सूचना पर और हमने भी अपनी सर्विलेंस टीम को एक्टिवेट कर उनकी लोकेशन का पता किया। वो कुतुबशेर थाना क्षेत्र में कोलागढ़ जो इलाका है वहाँ पे एक मकान में किराए पे लेके रह रहे थे वो लोग। टोटल 14 लोग थे, 14 के 14 लोग ये पंजाब से अलग अलग जिलों से, लुधियाना, जालंधर जैसे जिलों से वास्ता रखते थे। पंजाब पुलिस भी आई और कुतुबशेर पुलिस ने उनको सहयोग देते हुए इन 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी जो FIR है उसमें टोटल 9 लोग जो नामजद हैं वो इन 14 लोगों में से हैं, और बाकी इनकी FIR में कुछ जो अज्ञात लोग थे वो भी इन बाकी जो बचे 5 लोग हैं उसमें से हो सकते हैं। इसमें वो लोग आगे विवेचना करेंगे। जिन लोगों ने इनको सह दी है यहाँ पर उन लोगों का भी पता किया जा रहा है कि जिन्होंने अपना मकान किराए पर दिया है। ये भी बात आ रही है कि कोई गैराज है जिन्होंने इनकी गाड़ियाँ भी अपने गैराज में रुकवाई थी, उस गैराज ओनर को भी ढूंढा जा रहा है और उनके मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 14 लोग जो क्या सर सहारनपुर के रहने वाले हैं या पंजाब के रहने वाले? जी, जैसे मैंने आपको बताया ये 14 के 14 लोग जो हैं वो पंजाब के ही रहने वाले हैं, पंजाब के अलग अलग ज़िलों से, ज़्यादातर लुधियाना से हैं और कुछ इसमें से जालंधर से भी हैं। इनके पास से जो बरामद हुआ है, इनके पास से कुछ स्पोर्ट्स किट जिसमें हॉकी, क्रिकेट बैट आदि, ये इनके पास से बरामदगी हुई है। और भी कुछ बरामदगी हुई है जो पंजाब पुलिस ने बरामदगी करी है इनके पास से, और अब जो नियमानुसार कार्रवाई पंजाब पुलिस यहाँ पे कर रही है और इनको ये आज ही यहाँ से लेकर वो अपने पंजाब रवाना हो जाएंगे। सर, इन लोगों को किस तरह से किया था, लाइनअप किस तरह से किया था इन लोगों का? इन लोगों ने जो घटना वहाँ पे करी थी वो 20 फरवरी की रात की घटना बताई जा रही है। मेरे पास FIR की कॉपी आई है जिसमें दो गैंग हैं वहाँ पे लुधियाना में जो बताया जा रहा है, एक शुभम मोटा गैंग है और दूसरा एक अंकुर लुधियाना गैंग नाम से है। तो ये जितने ही मेंबर हैं सब अंकुर लुधियाना गैंग के हैं। इन्होंने शुभम मोटा गैंग पे फायरिंग करी थी और जिसमें कुछ लोग वहाँ पे घायल हुए थे, और आज हमने इन लोगों को पकड़ लिया है यहाँ से और पंजाब पुलिस आकर इनको अपने मुकदमे में इसको अकाउंट फॉर करके यहाँ से लेके जा रही है।